नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन मंच पर। आज पहले शिफ्ट का पेपर लोअर पीसीएस का समाप्त हो चुका है। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न मुझे भेजे हैं जो उसमें पूछे गए थे, तो ये वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि जो लोग कल पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देख लें। और अभी भी आपके पास जो है 10-12 घंटे का समय है, आप अगर चाहेंगे तो कुछ की एरियाज जो आपको समझ में आएंगे, जो मैं बताऊंगा इस पेपर के बारे में, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। हो सकता है आप जो है अपने कुछ मार्क्स बढ़ा लें। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे उन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया हो या सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया हो, आपको जितने भी क्वेश्चन याद आ रहे हो आप कमेंट में जरूर उसको लिखिए, जिससे आपके जो साथी हैं जो कल एग्जाम देंगे उनको मदद मिल सके, वो समझ सके कि जो है किस तरह से रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरे पास पूरा पेपर तो नहीं है, जितने भी आपने कमेंट बताया है और उसमें से मैं जो समझ पाया हूं, क्योंकि बताने का तरीका होता है, उसमें कोई ऑप्शन तो आपने नहीं दिया है, उसके आधार पर जो है मैं कुछ आपको मोटी मोटी बातें जो पूछी गई हैं प्रश्न वो बताता हूं। और उससे पहले मैं यहां पर यह कहना जरूर चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो और नियमित तौर पे चैनल को देख रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से जो है बहुत ही प्रसन्न होंगे, क्योंकि मैंने आखिरी के 1-1.5 महीने में जितना पढ़ाया है, हर टॉपिक से कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली इस एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी उनको भी टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा लाभ मिला होगा, अगर उन्होंने पूरी टेस्ट सीरीज को अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जीके सेक्शंस के ही ज्यादातर अपडेट मेरे पास हैं। पेपर बहुत ही औसत था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो अनोखे थे जो UP SSC हमेशा करता है, और उन क्वेश्चंस का आंसर जो है कोई कितना भी पढ़ ले उसको नहीं पता होगा, क्योंकि बिल्कुल ही वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं उस टाइप के थे। तो यूपी स्पेशल जो मैंने आपको इतनी जो है गंभीरता से पढ़ाया, सबसे पहला सवाल जो है जो मुझे मेरे पास है, कीठम झील। तो कीठम झील कहां पर है? आगरा में है। आप लोग भी अपने क्वेश्चन जो है चैट में जरूर बताते रहेंगे, कमेंट करते रहिएगा जो है, जिससे और जो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं लोग उसको जान सके। सूर सरोवर पश्चिम बिहार, ये आगरा में है। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है, भारत सरकार ने भी अफ्रीका के साथ एक समझौता किया था कि अफ्रीका में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का एक इंस्टीट्यूट वहां स्थापित होगा भारत अफ्रीका के सहयोग से। तो वो किस स्थान पर होगा? मलावी में जो है स्थापित होगा, ये इसका मलावी सही उत्तर है। ई लर्निंग में देश में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ई लर्निंग में सबसे पहला स्थान तेलंगाना ने प्राप्त किया है, और वो भी लगातार दूसरे वर्ष। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो इंडियन इंस्टीट्यूट की बात कर रहे थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कहाँ पर है? तो ये पाटलिपुत्र नामक जगह है पटना में, वहाँ पर ये स्थित है। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 कंट्री कौन सी है? मैंने अभी लेटेस्ट जो चेक किया है उसके हिसाब से बेल्जियम है। अब ऑप्शंस का मुझे नहीं पता है ऑप्शन में क्या क्या था। कोबालामीन किस विटामिन का नाम है? आप जानते हैं विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन या शॉर्ट में कोबालामीन कहते हैं। अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी महाराजा रणजीत सिंह और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। इसके बाद एक और अमृतसर की संधि हुई थी, लेकिन मुझे ऑप्शंस नहीं पता है, तो रणजीत सिंह वाली ही संधि को जो है अमृतसर की जो है संधि कहा जाता है प्रसिद्ध तौर पे। वेल्लूर क्रांति ये कहाँ हुई थी? अभी इस पर जो है काफी चर्चा भी हुई थी, तो वेल्लूर क्रांति जो है 10 जुलाई 1806 को हुई थी, 10 जुलाई 1806 को, और इसे जो है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति से बहुत पहले क्रांति हुई थी, इसीलिए इसको आज़ादी की पहली लड़ाई से भी कहा जाता है। न्यूजेन मोबिलिटी समिट, न्यूजेन मोबिलिटी समिट 2019 कहाँ पर हुआ था? मानेसर नामक स्थान है, यहाँ पर हुआ था। मानेसर जो है अब NCR के अंतर्गत आता है।
हाउस ऑफ फैल्कन पैलेस। तो ये फैल्कन पैलेस कहां पर है? ये किला है जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ना पता रहा हो। संयुक्त प्रांत नाम कब दिया गया था? 1937 में दिया गया था। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश कब बना था? 1950 में बना था। और संयुक्त प्रांत के बाद उत्तर प्रदेश जब नाम पड़ा, तो उत्तर प्रदेश नामकरण होने के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? हारमसजी पेरोसा मोदी, ये जो है उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल थे, जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ संयुक्त प्रांत से हटके। और ये 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952 तक राज्यपाल रहे। 2017 के चुनाव में राजनाथ सिंह के विरुद्ध सपा का यानी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन था, ये क्वेश्चन आया था। इलेक्शन कमीशन ने अभी एक ट्रांसजेंडर को गुडविल अम्बेसडर नियुक्त किया था। तो ये ट्रांसजेंडर का शायद नाम पूछा गया होगा, पूरा क्वेश्चन मेरे पास नहीं, तो इनका नाम है श्री गौरी सावंत। फिर आरपीएफ इन आईटी, यानी आरपीएफ क्या होता है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आईटी सेक्टर में। तो ये जो है बिडिंग का तरीका होता है आरपीएफ। अब इससे संबंधित एक्चुअल क्वेश्चन क्या था ये मुझे अभी नहीं पता है, आगे देखेंगे। तनामी मरुस्थल कहां पर है? तनामी मरुस्थल उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अमीबा के जो कूटपाद होते हैं उनको क्या कहते हैं? अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था तो उनको स्यूडोपोडिया कहते हैं, जिसके सहारे वो गति भी करता है और भोजन के कण को जो है अंतर्ग्रहण करता है, इंडाइजेशन करता है। इनमें से कौन सा अकार्बनिक नहीं है? हवा, पानी, मिट्टी, इसमें से अकार्बनिक नहीं है वो बताना था। तो मिट्टी जो है कार्बनिक नहीं होगा, चौथा ऑप्शन जो है मुझे नहीं पता है। फास्फोरस का उच्च स्रोत क्या है? फास्फोरस मैंने जो पोषण वाले चैप्टर में आपको बताया था, तो फास्फोरस का अगर चारों ऑप्शन मेरे सामने होते तो उसमें सबसे उच्च कौन सा है, लेकिन जो मुझे बताया गया उसके अनुसार जो है दूध जो है ऑप्शन में था, तो दूध जो है सबसे उच्च स्रोत हो जाएगा। अब उत्पादन और उत्पादक डाटा, मैं बार बार आपसे कह रहा था कि 4-5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछले 28 जुलाई वाले पेपर में भी आए थे और यहां पर भी 4 क्वेश्चन आएंगे। अभी भी जिन लोगों ने उत्पादन उत्पादक देशों का और राज्यों का डाटा नहीं तैयार किया है, एक बार पेपर हॉल में जाने से पहले जरूर देख लें। टिन उत्पादन आया था, टिन उत्पादन में चाइना नंबर वन पे है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। और अगर टिन का भंडार पूछ लिया जाता है तो सबसे ज्यादा टिन का भंडार कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। बॉक्साइट पूछा गया था, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश दुनिया में ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे बड़ा भंडार बॉक्साइट का कहां पर है? गिनी में है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है और दूसरे नंबर पर इंडिया है। बॉक्साइट अगर इंडिया के टर्म से पूछ लें तो भारत जो है, भारत में उड़ीसा उत्पादन और भंडारण में बॉक्साइट के दोनों में ही नंबर वन है। टिन का अगर भंडारण पूछ लें, अभी इसमें उत्पादक क्योंकि पूछा था तो उत्पादक चीन हो गया, अगर भंडारण पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कजाकिस्तान, ये क्रम हो जाएगा भंडारण का। अब पूछा गया है देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं अभी इसको फाइनल आंसर आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन अगर 1 अप्रैल की रिपोर्ट देखें उसके अनुसार जो है बैंक ऑफ बड़ौदा था, लेकिन अगस्त में एक और रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो है पंजाब नेशनल बैंक ये तीसरे नंबर का जो है बैंक हो गया है और बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे नंबर का हो गया है। पहले नंबर पर देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI है, क्योंकि अभी बैंकों के मर्जर हुए थे, तो जब प्रश्न जो है सामने आएगा तो उसको और इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। चैट बॉट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो है चैट बॉट होता है ऐप और वेबसाइट पे, इनसे संबंधित 2 प्रश्न आए थे। अब कौन से आए थे? एक कोई रिलायंस से संबंधित था लेकिन एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं पता चला है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था या उस उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है ऑल इंडिया रेडियो पर जो है महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। नागार्जुन की निम्न में से कौन सी रचनाएं नहीं है? ऑप्शन मेरे पास नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। 2 प्रश्न पत्रलेखन से आए थे, मैंने पत्रलेखन भी आपको पूरा पढ़ाया है इसीलिए। कार्यालय आदेश में हस्ताक्षर कहां किए जाते हैं? तो नीचे होते हैं। अब एग्जैक्ट ऑप्शन क्या था वो नहीं पता है। दंड माफी के लिए अगर स्कूल को पत्र लिखा जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ये पूछा गया था। ऊष्मा मापक यंत्र कौन सा है? कैलोरीमीटर। 1,00,000
रोजा का मकबरा, ये क्वेश्चन एक्चुअली मुझे भी नहीं पता है, तो देख लीजिएगा इखलाक रोजा का मकबरा कहां पर स्थित है। मांटो मार्लो एक्ट कब आया था, 1909 में आया था। शेरे बलिया किसको कहा जाता है, चित्तू पांडे को, क्योंकि उन्होंने जो है बलिया में अस्थायी सरकार बनाई थी जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आए थे, अब इनको अब आप भी कमेंट में जो है बता दीजिएगा, जिससे जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स जरूर देख लें कि कौन कौन से और क्वेश्चन आए थे, और मैंने अगर कोई क्वेश्चन जो है पूरा नहीं बताया है तो वो एक्चुअल में किस रूप में आया था, अगर आपको याद हो जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है वो जरूर बता दें जो है। एंसर्स पे डिस्कशन जो है दोनों पेपर हो जाने, चारों शिफ्ट के जब पेपर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे। उत्पादन का डाटा ये पढ़ लीजिए, अभी भी विटामिन वगैरह से मानव पोषण वाला पढ़ लीजिए। यूपी स्पेशल को अच्छे से दोहरा लीजिए, जो जो मैं देख पा रहा हूँ उसके अनुसार जो है यूपी स्पेशल से 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो यूपी स्पेशल जीके सेक्शन में अभी भी जो है एक बड़ा वो है, यूपी स्पेशल को एक बार पूरा दोहरा लीजिए। और करंट अफेयर्स जो है अभी तक जो लग रहा है जनवरी से पुराना नहीं पूछा है, इसलिए जिन लोगों का कल एग्जाम है अगर वो दोहरा सकते हैं तो जनवरी से एक बार जो है फिर से करंट अफेयर्स देख लें, खासकर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स जो बैंकिंग इत्यादि से रिलेटेड हैं, क्योंकि इससे मिलता जुलता जो है क्वेश्चन आ सकता है। और जो मेरी बात हुई आप लोगों में से कुछ लोगों से, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, उन्होंने बताया कि जीके और हिंदी जो है बहुत ही औसत स्तर की थी, यानी एक सामान्य जो है विद्यार्थी के द्वारा जो है इसको आसानी से हल किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखिएगा माइनस मार्किंग है, इसलिए जो है आसान क्वेश्चन देख के जो है भ्रमित मत होइएगा, अपना जो है कंसंट्रेशन बनाकर ही उत्तर दीजिएगा। तो मुझे बस यही बताना था, आप लोग एक दूसरे की मदद करिए, जितने भी अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको याद हों। फर्स्ट शिफ्ट के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की जो मुझे पता चला, सेकंड शिफ्ट वाले जब इस वीडियो को देखेंगे तो अपने जो है कमेंट में क्वेश्चंस को जरूर बताएं, जिससे कल जिनका पेपर है उनको कुछ मदद हो सके। और कल जिनका पेपर है अभी भी आपके पास समय है रिवीजन करने के लिए, 10-12 घंटे जो है आप रिवाइज कर सकते हैं, तो पूरी ताकत लगा के जो है रिवाइज करिए, अच्छे से अच्छा पेपर करिए। आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो ऐसी मेरी कामना ईश्वर से। नमस्कार, धन्यवाद।